उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य फिरोजाबाद के सिरसागंज में हो रहे लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे और वहां 661 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण कर शिलान्यास किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंच से भाषण देते हुए कहा कि अगर 2017 में यदि आपने सपा को चुन लिया होता तो सपा अराजकता करती और देश को बर्बाद कर देती। और वहीं भीड़ में कहा, आप हनुमान की तरह शक्तिशाली हो, आप 403 सीट भी जीत सकते हो। और वहीं भीड़ से कहा, आप हनुमान की तरह शक्तिशाली हो, आप 403 सीट भी जीत सकते हो। और एक नया नारा भी दिया, 2022 में 100 में से 60 हमारा और 40 में बंटवारा। और उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने 125 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई और सपा के मुखिया कहते हैं कि यह वैक्सीन बीजेपी की है। और क्या क्या कहा आप खुद ही सुनिए। और हम लोग पहले भी यहाँ पर लगभग 1000 करोड़ का काम अकेले लोकमान माध्यम से कर चुके हैं। सबका साथ सबके विकास का परिणाम जनता में दिखाई दे रहा है। 2022 में हम फिरोजाबाद में सभी सीटों पर कमल खिलाएंगे और उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा सीटें जीत करके फिर से सरकार बनाएंगे। गुंडागर्दी की वापसी ना हो और ना होने पाएगी। कमल खिला था, कमल खिला। अगर जो इलेक्शन था ये शुरू हुआ था विकास से, आज टोपी जितना अल्लाह अम्मा जान चाचा जान पे आ गया है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये तुष्टीकरण करने वालों को दर्द होता है। अगर उनको इस बात से दर्द होता है तो जिन्ना का नाम क्यों लिए? देश का विभाजन करने वालों को अगर जिन्ना का नाम लेंगे तो हम राष्ट्र भक्त हैं, हम राष्ट्र के भक्त के लोग, ऐसे जिन्ना का नाम लेने वालों को जवाब देंगे। और अगर उससे उनको परहेज होता है तो देश के दुश्मनों का नाम लेना बंद करें, तुष्टीकरण बंद करें, गुंडों को संरक्षण देना बंद करें, माफियाओं को संरक्षण देना। 2022 के चुनाव में पश्चिम बंगाल के नतीजे होंगे या बिहार के? 2022 के विधानसभा चुनाव में जो 2017 में उत्तर प्रदेश के नतीजे थे वही नतीजे।